और त्रेता युग जैसा धार्मिक काल, उस काल में भी 12 वर्ष का अकाल, माने ऐसा राम जी का धार्मिक काल कि जो पिता कह दे वही करना है, जो माता कह दे वही करना है और कहना है, चाहे कितना भी गलत हो, कितना भी कष्टदायी हो, लेकिन ऐसे काल में भी यदि 12 वर्ष का अकाल महाराज जनक जैसे ज्ञानी की स्थान में हो तो उसको क्या कहना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रकृति जड़ है, वो धार्मिक काल और अधार्मिक काल को नहीं देखती। धार्मिक काल में भी अकाल पड़ेंगे और कलयुग में भी अकाल पड़ते हैं, तो कलयुग में अकाल पड़ते हैं तो कहते हैं कि अधर्म का प्रभाव है, लेकिन महाराज जनक के काल में, महाराज दशरथ के काल में, सीता के काल में, राम जी के काल में, माने परशुराम जी भी उसी समय हैं, विश्वामित्र भी उसी समय हैं, अगस्त ऋषि भी समुद्र को पान करने वाले एक से एक ऋषि विद्यमान है, धर्मात्मा सत्य संग लोग विद्यमान हैं, इसके बाद भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक अकाल पड़ते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि जो प्रकृति होती है वो जड़ होती है, वो ये नहीं देखेगी कि ये धार्मिक काल है कि अधार्मिक काल है। ऋषियों ने उपाय बताए, ऋषियों ने कहा कि अब इसका कोई जप तप नहीं है, क्या कोई ऋषि वर्षा नहीं कर सकते थे, क्या अपने जप और तप के प्रभाव से महाराज दिलीप की संतान नहीं हो रही थी, तो नंदिनी गौ की सेवा से महाराज रघु उत्पन्न हो गए, जिनके कारण वह रघुवंश चला, इक्ष्वाकु वंश नहीं चला लेकिन रघुवंश के रघु के नाम से वंश चला। तो जो ऋषि हैं, यदि वशिष्ठ ऋषि ने अपनी कामधेनु गौ से, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि उनके गोमूत्र और गोबर से ऐसे यवन उत्पन्न किए कि विश्वामित्र की हजारों सेना को पराजित कर दिया, विमुख कर दिया, युद्ध से परांगमुख कर दिया, ऐसे ऋषि भी अकाल के समय वर्षा नहीं करवा सकते थे। जिसके संतान नहीं होती उसको संतान दे सकते हैं गौ के उदर से, मूत्र से, गोबर से, जीते जागते वीर पैदा कर सकते हैं, तो क्या अकाल के समय में वो वर्षा नहीं कर सकते थे। लेकिन ऋषियों को मालूम था कि ये कालिक अकाल है, इसमें होगा ही होगा, इसलिए उन्होंने अपनी तपस्या को व्यर्थ नहीं होने दिया, उनकी तपस्या व्यर्थ हो जाती, ये बात पक्की ही है, क्योंकि जब वो काले का काल है होना ही है। लेकिन महाराज जनक को जाकर के ऋषियों ने कहा कि महाराज एक उपाय तो है, क्या उपाय है, बोले यदि आप बहुत धर्मात्मा हैं, जैसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अति छोटा तुच्छ काम करने लगे तो उसके आसपास के लोग कहने लगते हैं नहीं नहीं आप मत करिए हम करते हैं, ऐसे ही आप यदि कृषि खेत करने लगे, आप स्वयं ही खेती करने लगेंगे तो पृथ्वी शायद लज्जित तो हो जाए कि क्या ऐसा भी समय आ गया कि ये बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष मेरी खेती करेंगे, लज्जित तो होकर के पृथ्वी कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए आप इस ज्ञान विज्ञान को जो मन में रखे हुए हैं वो मन में ही रखिए, लेकिन संसार की शरीर सुरक्षा के लिए, संसार की स्थिति के लिए आप खेती का प्रारंभ करिए। इसलिए महाराज दशरथ ने कहा तो ठीक है देखते हैं। सोने का हल बनवाया गया, क्योंकि वो राजघराना था, सोने के हलों से कहीं खेती नहीं होती, वो लोहे का ही चाहिए, किंतु मात्र पृथ्वी को और भगवान को लज्जित करने के लिए महाराज जनक को ऋषियों ने आगे किया कि आप करिए ताकि किसी को पता चले कि भक्त और ज्ञानी को दुखी नहीं भगवान देख सकते, यह पृथ्वी भक्त और ज्ञानी को दुखी नहीं देख सकती। महाराज जनक ने जैसे ही 2 वत्सों को लेकर के, स्वर्ण के हल को लेकर के खेत में रखा नहीं तो जोता ही कहाँ, पृथ्वी लज्जित हो गई, फट गई, और तुरंत उसमें से एक कन्या प्रकट हो गई और उसी कन्या का नाम सीता है। हल के नीचे जो सीता होता है लोहे की, वो जो धरती में गड़ती है उसी का नाम सीता है, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। महाराज जनक ने उस कन्या को देखा और कहा कि आप कौन है, बोले मैं आपके पास हूँ, इसलिए मैं आज से जनक नंदिनी हूँ और ये पृथ्वी पुत्री हो गए, अर्थात अब पृथ्वी अपनी पुत्री के मोह में धन देगी, यह पृथ्वी माँ है, जैसे माँ
अपने पुत्र पुत्री के मोह में आकर के वह सब कुछ दे देते हैं जो जिससे उसकी सुरक्षा होती है, जिससे उसका लालन पालन होता है। तो पृथ्वी ही जब माँ बन जाएगी तो वह अपनी पुत्री सीता को प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं देगी। इसलिए जब महाराज जनक ने पृथ्वी पुत्री जो धरा पुत्री सीता को जब अपने पास रख लिया तो पृथ्वी ने वह दिया जो वह अपनी संतान के लिए सब कुछ एक माता पिता देते हैं। बस उसी दिन से वर्षा होने लगी, औषधियाँ नहीं थी, औषधियाँ जागृत हो गईं, वृक्ष नहीं थे, वृक्ष हरे भरे हो गए, पुष्पित हो गए, ऋषिगण हवनादि करने लगे, सारा संसार सुखमय हो गया। इसका मतलब है कि अकाल से यदि कोई बचा सकता है तो कोई ज्ञानी महापुरुष तपस्वी श्रेष्ठ पुरुष ही इस पृथ्वी को जागृत कर सकते हैं। इसलिए भागवत के चतुर्थ स्कंद में लिखा कि अंग ध्रुव के वंश में एक ऐसा नास्तिक पैदा हुआ जिसका वेन नाम था, इतना दुष्ट था, लेकिन उसके अत्याचार से पृथ्वी ने अपने को सिकोड़ लिया, सारे बीज सारे अन्न समाहित कर लिए। अंत में वेन को ऋषियों ने शापित करके मार दिया और उसका जब मंथन किया तो उससे भगवान ही प्रथु और अर्ची उत्पन्न हुए। प्रथु ने पृथ्वी का दोहन कराया और पुनः आ गई। इसलिए इस पृथ्वी में पड़ने वाली प्राकृतिक आपदा से ऋषि महात्मा धर्मात्मा ज्ञानी ही रक्षा कर सकते हैं। अधार्मिक व्यक्ति को तो यह पृथ्वी नाश करना चाहती है। इसलिए जब जब यहाँ अधार्मिक और दैत्य राक्षस पैदा हुए पृथ्वी तब तक गऊ का रूप धारण करके भगवान के यहाँ पहुँची। इसलिए यह पृथ्वी इतने पर्वतों इतने वृक्षों और इतनी सृष्टि का भार सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन यह पृथ्वी एक रावण हिरण्यकशिप और इनके जैसे राजा बेन जैसे दुष्टों का एक भार सहन करने को तैयार नहीं होती है।